फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है। एक काम ये भी करना है कि आपका जो फिंगरप्रिंट का सेंसर है ना, उसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है, और जिस फिंगर को आप अपने सेंसर पर टच करते हैं उस फिंगर को भी अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे एप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, एप्स, ठीक है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आना है और आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब नीचे की साइड ये क्लियर कैच पे टैप करना है, तो ये पेज आगे से ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपने जो भी पहले वाला फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है ना फोन में, तो उस पहले वाले फिंगरप्रिंट लॉक को डिलीट करके एक नया फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो सेट कर लेना है। इससे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, एक काम ये करना है अगला, कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको जो सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा। सिक्योरिटी अपडेट पे टैप करना है तो आपको फोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट पे टैप करिए तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, रीसेट, ठीक है। तो आपको नीचे फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।